हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं तूबा और आप देख रहे हैं किचन विद तूबा यूट्यूब चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बर्गर। और उसके लिए मैंने 3 आलू लिए हैं, उनको बॉयल करके छील लिया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जो लाल सब्सक्राइब का बटन है इसे दबाएं, और जो बराबर में बेल आइकन का बटन है इसे दबाने से मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब आलू को हमें अच्छे से तोड़ना है, मिक्स करना है सबको अच्छे तरीके से। कोई भी इसमें मोटा पीस नहीं रहना चाहिए क्योंकि हमें इससे टिक्की बनानी है। सबको अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से। ये देखिए, आपको इसी तरीके से सबको मिक्स करना है। देखिए अब हमें इसमें क्या क्या मिक्स करना है। सारे आलू अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब हमें इसमें सारी चीज़ें डालनी है। मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज ली है, 2 ब्रेड लिए हैं, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है, चाट मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, 2 मैंने हरी मिर्च ली है, और थोड़ा सा मैंने कटा हुआ बारीक हरा धनिया लिया है। अब सारी चीज़ों को हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूँगी पहले प्याज, नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च, हरी मिर्च और कटा हुआ बारीक हरा धनिया। और अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से इसमें मिक्स करना है। सब चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं, सबको अच्छे से मिलाना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी ब्रेड। मैंने ब्रेड इसलिए लिए हैं ताकि थोड़ी हमारे जो टिक्की हैं वो क्रंची हों और बहुत अच्छी बने। बारीक बारीक मैंने इनको पीस लिया है, मतलब हाथ से ही मिला लिया है, और सब चीज़ों को इसमें डाल के मिक्स कर लिया है। आप इसमें सूजी भी डाल सकते हैं ब्रेड की जगह, बट मैंने ब्रेड डाला है। सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसकी टिक्की बनानी है। अब हमें अपनी टिक्की बनानी है। मैंने उसके लिए थोड़ा सा तेल लिया है और हल्का सा हमें हाथ पे तेल लगाना है ताकि हमारी टिक्की अच्छे से बने। और फिर हमें टिक्की बनानी है। देखिए इस तरीके से आपको पहले लेना है और फिर उसको गोल करके बनाना है और फिर उसे हल्का सा प्रेस करना है। ये देखिए इस तरीके से ये एक टिक्की हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको एक टिक्की और इसी तरीके से बना के दिखाती हूँ। ये बन चुकी है एक टिक्की हमारी, अब मैं दूसरी बनाकर दिखाती हूँ आपको। इसी तरीके से फिर तेल लेना है हाथ पे और फिर हमें इस टिक्की को बनाना है। ये देखिए पहले गोल, मतलब गोल बनाएंगे हम, फिर उसे हल्का सा प्रेस कर देंगे उस तरीके से। ये देखिए ये टिक्की बनके तैयार हो चुकी है। हमें सारी टिक्कियों को इसी तरीके से बनाना है। सारी टिक्की बनके तैयार हो चुकी हैं, अब हमें इनको फ्राई करना है। तो फ्राई करना है और मैंने थोड़ा सा तेल लिया है और उसमें टिक्कियों को रख दिया है। ज़्यादा तेल नहीं लेना है, थोड़ा सा तेल मैंने इसमें लिया है और उसी तेल में मैंने इसको फ्राई किया है। और हाँ, हम ऊपर से थोड़ा सा इसमें तेल डाल सकते हैं जैसे कि मैंने डाला है। देखिए मैं डाल के दिखाती हूँ आपको, इसी तरीके से आपको इस पर तेल डालना है। ये देखिए ऊपर से भी डाल देंगे और हमें इसको ज़्यादा नहीं वो करना है, बस गोल्डन करनी है, अच्छे से फ्राई करनी है। ये देखिए दोनों साइड से इसी तरीके से करना है। फिर अब हम इसको पलट देंगे, इसी तरीके से दूसरी साइड से भी करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें दोनों साइड से इसी तरीके से फ्राई करना है। और ये टिक्की फ्राई हो चुकी है, बन चुकी है। ये देखिए सारी टिक्की तैयार हो चुकी हैं। फ्रेंड मैंने ये बर्गर लिए हैं और बटर लिया है ताकि हम बटर से बर्गर को फ्राई कर सकें। बर्गर को इस तरीके से कट करना है। अब बर्गर को फ्राई करना है। मैंने बटर तो लगा ही दिया था, हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है, अच्छा सा लाइट पिंक इस तरीके से दोनों साइड से। और ऊपर भी हम हल्का हल्का बटर लगा देंगे क्योंकि इस साइड से भी हमें इसको फ्राई करना है, तो ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। ये देखिए अब हम इसको पलट देंगे इस तरीके से। ये देखिए अब इस तरीके से भी हमें इसे फ्राई करना है। देखिए इधर से हो चुका है, अब हमें दूसरी साइड से भी इसी तरीके से गोल्डन पिंक करना है। ये देखिए
ये हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये बस फ्राई हो चुका है। मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज लिए, दो मीडियम साइज़ टमाटर लिए हैं, दोनों को फ्राई कर लिया है। मैंने क्रीम लिया है और टमाटो केचप लिया है, जिससे हमें दोनों स्लाइसेस पे लगाना है, एक पे क्रीम लगानी है और एक पे केचप लगाना है। इस तरीके से देखिए, अब मैं केचप लगा रही हूँ। इस तरीके से आपको भी लगाना है। और फ्रेंड, मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज ली थी और एक दो मीडियम साइज़ टमाटर लिए थे, दोनों को फ्राई कर लिया एक एक टेबल स्पून से। टमाटर अलग फ्राई करे हैं और प्याज अलग फ्राई किए हैं मैंने, ये देख सकते हैं आप। और दूसरी स्लाइस पे अब मैं लगा रही हूँ क्रीम। आप क्रीम भी लगा सकते हैं और मेयोनीज भी लगा सकते हैं, और दोनों पे टमाटो केचप भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, बट मुझे क्रीम का ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसी तरीके से आपको भी लगाना है। ये देखिए, दोनों पे लग चुका है। अब मैं इसमें टमाटर लगाऊंगी। अब प्याज रखनी है थोड़ी सी इस तरीके से। अब मैं इसमें टिक्की रखूंगी, ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसमें फिर से टमाटर रखूंगी। अब प्याज रखनी है फिर से, और ये देखिए, ये बर्गर बनके तैयार हो चुका है। ये इस तरीके से, ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। सारे बर्गर बनके तैयार हो चुके हैं, ये देखिए। देखिए फ्रेंड, ये बनके तैयार हो चुका है, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।